नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, ठीक है, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है आप लोगों का कल यानी कि 14 अगस्त 2022 संडे को। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के पेपर के पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि प्रश्नों की कुल संख्या 125 रहेगी, समयावधि 2 घंटे की रहेगी। पेपर जो टेस्ट आपका स्टार्ट होगा वो 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 7 बजे। ठीक है, और इसके बाद ये टेस्ट आप कब कब तक दे सकते हो, तो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अगले दिन के बीच में आप जब भी आपका आप सही समय होगा 2 घंटे का, आप वो टेस्ट दे लोगे। क्योंकि ये टेस्ट एक ही बार मौका मिलेगा, फ्री सबके लिए है, तो एक बार मौका मिलेगा। तो आपका जो भी एक अच्छा समय होगा, जिस समय आप अपने आप को पेपर देने के लायक या आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, आप वो टाइम चूज कर लोगे। शाम को 7 बजे से मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट के लिए आपको करना क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लोगे, या सिंपली इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी लगी हुई है, आप उस लिंक से डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली आपको आपका टेस्ट कराया गया था यूपी टीजीटी, ठीक है, 7 अगस्त को, ठीक है, उसी के संदर्भ में, उसी की अगली कड़ी में आज का नेक्स्ट जो टेस्ट कल आयोजित होने वाला है 14 अगस्त को, ठीक है, यूपी पीजीटी प्लस टीजीटी के पैटर्न पे। मतलब इसमें पिछले टेस्ट में हमने प्रश्नों के स्तर को टीजीटी का रखा हुआ था, इस पेपर में जो आपका कल का टेस्ट होगा इसमें प्रश्नों का स्तर टीजीटी प्लस पीजीटी, मतलब हम पीजीटी के स्तर को भी टच करेंगे। ठीक है, और चाहे आप टीजीटी दो चाहे आप पीजीटी दो, 60 से 70% सिलेबस आपके दोनों का सेम रहता है। कठिनाई का स्तर को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो जनरली अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको उससे अच्छे कठिनाई के स्तर को पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पीजीटी का देते हो तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनबीएस के लिए अगर कोई तैयारी करता है तो चूंकि एनबीएस में भी आपको लगभग प्रश्नों का जो स्तर होता है वो इसी तरीके को देखने को मिलते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकेंड ग्रेड हो गया, डीटी प्लस भी टीजीटी पीजीटी हो गया, KVS, NVS, ये सारे एग्जामिनेशन भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो भी ये टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप ये टेस्ट दे पाओगे, जो लोग पुराने हैं, जो लोग पहले से ही हमारे यहाँ फ्री टेस्ट देते हैं उनको तो पता है। ठीक है, बट जो लोग नए हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, एक और बात की मैं चर्चा करूंगा कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, और टेस्ट देने के बाद केवल आप उसके मार्क्स देख लेते हो कि आपको इस मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया, क्या रैंकिंग है, ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप इस तरीके से चाहे जितना मॉक टेस्ट दे लो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने का जो सही तरीका होता है इसके भी बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ये चर्चा स्टार्ट की जाए उससे पहले हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी और एलटी डीटी प्लस बी केवीएस एनवीएस इन सबके कोर्सेज जीआईसी लेक्चरर की, जो कि आगामी आपकी वैकेंसीज आने वाली उत्तर प्रदेश में, इन सबके एग्जामिनेशन की आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है मास्टर कोर्स नाम से, जिसको लेने पर आपको और कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, इस एक सिंगल कोर्स में आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर कराया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पेड टेस्ट सीरीज भी चलती है और जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो ये शेड्यूल है। ठीक है, जो टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो ये शेड्यूल देने का मतलब केवल ये होता है आपको कि आप उस डेट में प्रेजेंट रहो। ठीक है, टेस्ट में कितने आपको टेस्ट मिलते हैं, तो 30 टेस्ट आपको मिलेंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस से, 100 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इन 30 टेस्ट में दो तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है,
आपको 10 मेगा टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि फुल लेंथ टेस्ट होगा 125, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, जैसे आप पीजीटी पीजीटी करते हो तो 10 आपको मेगा टेस्ट में 125 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी जो 20 टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्नों की प्रश्न आपके रहेंगे 20 टेस्ट में, ठीक है। तो उनके ये शेड्यूल हैं, पुराने जो भी टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट, ये डेट देने का केवल ये मकसद होता है कि आप उस डेट को टारगेटेड होके एग्जामिनेशन को दो, ठीक है। अदरवाइज आपको लगेगा यार चलो अभी तो मेरे पास 30 का 300 मिल गया, मैं चाहे जब इसको दे लूं, इस तरीके से आप नहीं दे पाओगे टेस्ट, इसलिए ये डेट दी जाती है। तो सभी को 30 टेस्ट प्लस 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। इन टेस्ट का आपको पीडीएफ सॉल्यूशन और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया जाता है। टेस्ट सीरीज की प्राइस 599 है, शुरुआत में ये फर्स्ट 100 के लिए 399 थी, अभी ये 100 से ज्यादा लोगों ने एडमिशन ले रखा हुआ है, तो इसलिए अभी आपको 599 रुपये देकर ही आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ले रखा है या जो भी हमारे इन पेड कोर्स में जुड़ेंगे, ठीक है, उनको ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है। और पेड, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसमें एक सुविधा दे दी गई है आप लोगों को कि आप कोई सा भी कोर्स को, चाहे तो आप फुल पेमेंट करो तो उसमें आपको 500 की इंस्टेंटली डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, ठीक है, तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी फी होगी वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक आप पेमेंट करके अपनी पढ़ाई करो, नेक्स्ट आपको पेमेंट 2 महीने बाद करना होगा, ठीक है। तो 2 महीने में एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आप कर सकते हो चीजों के बारे में और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट जब भी होगी, आप बाकी अपनी, क्योंकि एक साथ सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप 2 महीने में उन सारी चीजों को देखो, फिर अगले जब भी आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हो आप पेमेंट करके उसको रिवीजन कर डालो, ठीक है, या जो कुछ भी बचा रहे उसको आप कर डालो, ठीक है। आइए तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज ये कैसे मिल पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा सर, ऐप डाउनलोड किया तो ऐप में कुछ इस तरीके का होम पेज आपको दिखेगा, और होम पेज पे आपको 2 ग्रुप्स दिखेंगे टेलीग्राम के, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाओगे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है वो ऐप पे भी दी जाती है, बट इसी कारणवश ऐप पर अगर आपको नहीं पहुंचता तो टेलीग्राम पर भी आपको वो मैसेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी पीडीएफ वगैरह हो गई, ठीक है, वो चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब आपको करना क्या होगा सर, आपने ऐप डाउनलोड कर किया तो सबसे ऊपर आपको 3 हॉरिजेंटल लाइंस दिखेंगी, इसको आप क्लिक करोगे तो यहीं आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्री टेस्ट का, ठीक है, प्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस प्री टेस्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, अपकमिंग, ऑनगोइंग, अटेम्प्टेड, ठीक है। तो जिन्होंने पुराने टेस्ट दे रखे हैं उनको अटेम्प्टेड में कुछ टेस्ट शो करेंगे, और जिन्होंने जो अभी टेस्ट आने वाले हैं वो यहाँ शो करेंगे, हो सकता है यहाँ 0 शो करे, लेकिन जैसे ही 7 बजे अपकमिंग में आपको ये आपका मॉक टेस्ट यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी नाम से आपको दिखने लगेगा कल शाम को 7 बजे, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट की आपको कंडीशन ध्यान जान लेनी होगी, टेस्ट आप एक बार दे सकते हो, ठीक है। सेकंड, आपको उसका सोल्यूशन 1 बार मिलेगा, तो अगर आपने जैसे आप टेस्ट देके आपका रैंकिंग वगैरह मार्क वगैरह आपको मिल जाएगा तो उसके बाद उसके एनालिसिस में आप जा सकते हो और उसका सोल्यूशन आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने उसको कट कर दिया तो दोबारा वो ओपन नहीं होगा, केवल आपके मार्क्स शो होंगे कि आपने इतने गलत क्वेश्चन इतने सही क्वेश्चन किए थे। इसलिए सोल्यूशन को देखने से पहले आप अपना ये बना लेना कि मैं पूरा सोल्यूशन देख पाऊं, क्योंकि अगर एक बार आपने कट कर दिया तो वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, कैसे आप मॉक टेस्ट दो। जो हमारे पेड मॉक टेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो भी ये चीज को समझें, और जो लोग प्री मॉक टेस्ट देते हैं उनके लिए भी ये, चूंकि मॉक टेस्ट तो मैंने सभी के लिए आयोजित कर रखा है, ठीक है,
आप फ्री में भी दे सकते हो। ये शेड्यूल जो आपको बताए गए इन शेड्यूल पे आपको फ्री में टेस्ट होंगे, और पेड वालों के लिए अलग शेड्यूल है, ठीक है। तो उनका शेड्यूल भी मैंने दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी है, ऐप डाउनलोड करोगे तो जहां आपको पेड टेस्ट सीरीज दिखेगी स्टोर सेक्शन में, वहां पर आप जाकर पेड टेस्ट सीरीज को ओपन करोगे तो वहां पर भी शेड्यूल दिया हुआ है। अब मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो, मॉक टेस्ट आपने दिया फिर आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद का चरण शुरू होता है असली मॉक टेस्ट को कैसे हम अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या आगे के एग्जामिनेशन में अपने को कैसे बेहतर कर लें, ठीक है। इसी को एनालिसिस बोलते हैं। मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना होगा। आपको करना क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट दे लो तो उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आप सारा, जैसे अगर आप 125 क्वेश्चन का करते हो, या मेरे पेड वाले जिन्होंने 125 के साथ साथ 50 क्वेश्चन के भी उनको टेस्ट मिलते हैं, तो मान लो 125 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया, तो आप वो क्वेश्चन को वापस से देखो। अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो शुरू में आपको 5 घंटे एनालिसिस को देने पड़ेंगे, और अगर 50 मिनट का, जैसे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है, तो लगभग लगभग मान के चलो कि 3 टाइम्स आपको देने पड़ते हैं, मतलब 2.5 से 3 घंटे, मैं 3 आवर मान के चलता हूं अगर 50 क्वेश्चन का। ये पहले 2 से 3 टेस्ट में ये काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रैपिडली आपका ये चीजें कम होने लगेंगी, और कभी कभी ऐसा होगा कि आप 2 घंटे का टेस्ट आप उसको 1 घंटे 1.25 घंटे में एनालिसिस कर लोगे आगे चल के, लेकिन शुरुआत में आपको 4 से 5 घंटे, अगर फुल लेंथ टेस्ट है 2 घंटे का तो 5 घंटे सर देने पड़ेंगे। एक दिन आप उसको अपना जो भी समय हो, ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट देने के बाद मैं तुरंत हटा लेता हूं, ठीक है। आपको एक बार मौका मिलेगा, आप उस के हिसाब से अपने एनालिसिस जरूर करो, ठीक है। अब आप कैसे एनालिसिस करोगे, देखो आप सारे क्वेश्चन को देखो, जैसे आपने जो क्वेश्चन गलत किया हुआ है, आपने गलत कहाँ किया हुआ है वो देखो, ठीक है। एक कॉपी बनाइए टेस्ट सीरीज की, ठीक है, और उस कॉपी में आप उन टॉपिक्स को लिखो जो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। क्या गलत कर रहे हो, जैसे आपने या तो आप उसको बांट लो पूरे चैप्टर्स में, उसमें डिवाइड कर लो, सब चैप्टर का नाम लिख लो, और वहीं पे मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख डालो, और फिर उसमें जिस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहां गलत करिए, जिस पे सही हो रहे हैं वो सही करिए, ठीक है। नंबर एक तरीका, दूसरा ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप सबको एक साथ ना लिख के आप एक एक तो प्रश्नों के बारे में करो, ठीक है। एक प्रश्न आपने उठाया, मान लो पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, और टॉपिक आपका ये है बाइनोमियल थ्योरम का। अब आप क्या करो, देखो अब आप अपने नोट्स उठाओ, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करो, ठीक। वैसे उसमें सोल्यूशन रहता है उसके नीचे, लेकिन ये चीजें नीचे के सोल्यूशन को बाद में देखा करो, पहले आप खुद से प्रयास किया करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है सर, अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा मॉक टेस्ट देने का, चाहे आप पेड टेस्ट सीरीज ले लो और चाहे आप फ्री में भी, इतने मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो अब आप उन बाइनोमियल थ्योरम्स को करो, ठीक है। अब आप उसमें देखो कि फला टॉपिक का कौन सा थ्योरम पे क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए, नहीं ठीक है अब मैंने ये गलती किया हुआ था, ये मेरे को नहीं करना, लेकिन अगर आपको लगे यार ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इस पे गलती आगे भी कर सकता हूँ, तो जो आपने कॉपी बनाया हुआ है उसी में वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कि नहीं ये क्वेश्चन भविष्य में भी मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ऐसा है, और ये चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी, अपने आप आने लगेंगी। जब 2-3 टेस्ट एनालिसिस करोगे तो अपने आप आपका रैपिडली क्वेश्चन आपके सही होने बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, मान लो जो क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया, ठीक है, तुक्के से सही हुआ, तो तुम वापस से वही काम करो जो गलती वाले क्वेश्चन के साथ किया। अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही हो गया है तब तो कोई बात नहीं, उस आगे बढ़ चलो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करोगे, और फिर हो सकता है कि एक मॉक टेस्ट में, आपके पहले मॉक टेस्ट में आपको 125 में से 40 से 50 प्रश्नों को इकट्ठा करना पड़े,
और हो सकता है कि लगभग 60 से 70 प्रश्नों का आपको थ्योरम्स वगैरह अपनी नोट्स वगैरह में आपको जाके गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगेंगी। अब बहुत से लोग को ये डर लगता है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। सर, आप जो भी चीज पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपने अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, ठीक है, तो अब इतना समय तो हो चुका है कि 60 से 70% कोर्स आपका कवर हो जाना चाहिए। चाहे आप जिस किसी के भी कोर्स को आप पढ़ रहे हो, चाहे जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो पेड कोर्स से, 60 से 70% आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और सिलेक्शन के लिए सर 60 से 70% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान नहीं हो, आप उन्हीं 60 से 70% प्रश्नों को अच्छा करो। बाकी जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपके पास बुक्स वगैरह हैं, आप उनको निकालो, ठीक है, उनसे चीजों को देखो कि नहीं इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा ये 125 क्वेश्चन। जब आप करो तो अपने आप ये पूरा एनालिसिस करने के बाद आप देखोगे कि जब आप अगला मॉक टेस्ट दोगे तो निश्चित रूप से 10 से 15 क्वेश्चन सही करोगे, और 5 एनालिसिस करने के बाद ये गारंटी है, और ये पूरे अनुभव के साथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका क्वेश्चन का सही होना रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है, बहुत तेजी से। जो चीजें आप मान लो अगर आपका इस तरीके का एवरेज रहता है 60-40, मतलब 60% आपके सही प्रश्न होते हैं, 40% गलत, तो आपका 80-20 पे हो जाएगा। और जिस दिन आपका 90-10 पे आने लगा, ठीक है, 90 सही होने लगे, 10 गलत होने लगे, ठीक है, और ये होंगे, निश्चित रूप से होंगे, अगर आपने ये तरीका फॉलो किया तो 10 टेस्ट के बाद, 5 टेस्ट के बाद आपका 80-20 आ जाएगा, 10 से 15 टेस्ट के बाद 90-10 आ जाए, 90 और 10 का रेशियो आ जाएगा, 90 सही 10% गलत क्वेश्चन होंगे। ये गलत होते हैं, ये सोच के चलो कि नहीं मेरे गलत नहीं होंगे, तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, ठीक है, मैं हूं या कोई भी पेपर देने जब बैठता है मॉक टेस्ट लगाने, तो मानवीय गलतियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, ये सब चीजें आती हैं साथ में, और इस कारण से गलतियां 10 से 15% सबके साथ होती हैं। लेकिन आपको अगर सेलेक्ट होना है तो 80 से 85% सही प्रश्न ही आपका सिलेक्शन करा देगा सर। तो मॉक टेस्ट इसी तरीके से दो, एनालिसिस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बाकी आगे आप लोगों के लिए और भी सेशंस आपको इन्फॉर्म करे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।